दिल्ली से लेकर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के चित्रकूट तक पानी की विकराल समस्या है। बुंदेलखंड के चित्रकूट की मनिकपुर और रामनगर तहसील क्षेत्र में जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती है, वैसे वैसे जलस्तर इतना नीचे चला जाता है कि लोग मीलों दूर जाकर तालाब से पानी लेकर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं चित्रकूट की लाइफलाइन कहे जाने वाली मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर इतना गिर चुका है कि नदी अपने असल रूप से बहुत छोटी हो चुकी है। साथ ही नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे पूरे शहर में गंदा और दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। बावजूद इसके अगर आम और खास लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पुश्तों को पानी के लिए एक बड़ी आपदा झेलनी पड़ सकती है। देखिए, मानिकपुर पाठा क्षेत्र में गर्मी के समय हैंडपंप में वाटर लेवल नीचे जाने के कारण कुछ पानी की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन और जो भी विभाग हैं लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से हमने इस बार कुछ गांवों को सप्लाई स्टार्ट कर दी है और जिन गांवों में अभी काम चल रहा है, कार्य प्रगति पे है, वहाँ पे टैंकर से सप्लाई की जा रही है। हमारे उस क्षेत्र में अभी 30 टैंकर्स हैं जो सुबह शाम पानी की सप्लाई कर रहे हैं और इसकी जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर दोनों पर कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिससे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चौपाई का जो उल्लेख किया है वो चित्रकूट की लाइफलाइन कही जाने वाली मंदाकिनी नदी का घाट है, जिसकी आज की स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उस घाट की, उस नदी की, जो मंदाकिनी नदी है उसका क्या आलम है। इसकी आकार बदल चुका है नदी का और हाल ही में केंद्रीय जल आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। केंद्रीय जल आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ आया है कि जो 150 जलाशय हैं, जो जल स्रोत हैं, उनमें 21% सिर्फ भंडारण का जो कैपेसिटी है वो बची है। इसका मतलब है कि भविष्य का जो तस्वीर है बड़ी भयावह है। ऐसे में जो मंदाकिनी नदी है आप उसका आकार देख सकते हैं, आकार बदल चुका है, किस कदर अतिक्रमण है नदी में। नदी में पूरी तरह से लोग खेती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ये पानी है वो भी इतना नीचे जा चुका है, जल स्तर खतरे का निशान भी आप देख सकते हैं। दूर में जो प्रशासन ने मार्किंग की हुई है, पानी उससे भी बेहद नीचे है और जो पानी है भी तो बेहद दूषित और गंदा है। देखिए किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। न जाने कितने करोड़ रुपए मंदाकिनी नदी सफाई में आए, कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन उस हद तक पानी घरों तक नहीं पहुंच पाया और जो पहुंच भी रहा है तो दूषित और गंदा पानी पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों के घर में बीमारी भी फैल रही है। वहीं बात की जाए मानिकपुर और रामनगर तहसील की, तो वहां पे चूंकि ये बेहद प्रचलित रहा है चित्रकूट पे जल समस्या, जल संकट यहाँ पर बहुत पुरानी समस्या है। कई सरकारें आई, कई व्यवस्था बनी, लेकिन जल संकट आज तक ठीक नहीं हो पाया। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और मीलों पैदल चलकर पानी को अपने सर में रखकर लाकर आफत भरी गगरी को ढोकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने जो हर घर जल योजना बनाई वो भी नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में लोग आज भी पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की पूर्ति के लिए टैंकर की व्यवस्था कराई है, लेकिन वो भी बहुत मामूली है। ऐसे में जो केंद्रीय जल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो दिल्ली से लेकर बुंदेलखंड तक को हिला दिया है। ऐसे में पानी को लेकर के हर कोई हाहाकार मचाए हुए है। अगर आने वाले वक्त में आम आवाम नहीं चेती तो बेहद डरावनी तस्वीर सामने आएगी। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।